आवाज दो, आवाज दो। बिजली पानी जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। आवाज दो, आवाज दो। बिजली डिपार्टमेंट छीन के देंगे। आवाज दो, आवाज दो। बिजली डिपार्टमेंट। बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। अपना हक अपना हक अपना हक बिजली डिपार्टमेंट के अंदर समाज सेवी नरेंद्र शर्मा जी और उनकी मातृ शक्ति नारी शक्ति जिन्होंने और गांव के जितने भी युवा वर्ग इनके साथ है जो इनका साथ दे रहा और इन्होंने जो आवाज़ उठाई है जनता के लिए बिजली का मीटर जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं उसके विरोध में आज 10वां दिन हम एंटर हो चुकी है आज की स्ट्राइक जो हंगर स्ट्राइक और साथ ही हम लोगों को बार बार ये अपील कर रहे हैं खास करके नारी शक्ति को कि ये कोली शाहदुल्ला के अंदर जिस तरीके के लोगों ने एकजुट होकर गर्मी में ये बाहर बैठे हुए हैं आप भी बाहर निकलो और स्मार्ट मीटर का विरोध करो और हमारी यहाँ की जितनी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं आज हंगर स्ट्राइक के अंदर इन्होंने प्रण किया हुआ है कि जब तक गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेगी ये यहाँ से उठने वाले नहीं है चाहे इसके लिए ये अपनी जान भी देंगे और LG साहब से ये बोल रहे हैं कि आप भी AC से बाहर निकलो पता चले कि गर्मी क्या होती है अंदर बैठ के आप 50-50 हज़ार का तो आपने मफलर रखा हुआ है ब्रांडेड आपने मफलर रखे हुए हैं और गरीब जनता कहाँ से पैसा देगी जो बंदा 200 या 300 400 की दिहाड़ी लगाता है वो कहाँ से 5000 रुपया बिल देगा। पहले तो यहाँ की बिजली का जो हक है जम्मू कश्मीर के वासियों का है पहले हम भारतवासी तो हैं ही हैं उससे पहले हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का 100 में से 60% जो बिजली है ये बाहर बेचते हैं 40% के ऊपर भी ये बोल रहे हैं 40% बिजली के ऊपर भी ये बोल रहे हैं कि आप पे करो क्यों पे करें ये हमारा हक है। इस पर पहले जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और आर्सपुरा के लोगों को अपील करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसका विरोध करो ताकि गवर्नमेंट जो सोई हुई है LG साहब खास करके उनको नींद बहुत आती है AC के अंदर और जनता के साथ सहयोग करें और जो स्मार्ट मीटर का उसका जो प्रक्रिया है उसको बंद करें जैसा पहले था वैसे चलने दें। जनाब इतनी गर्मी पड़ रही है बड़े बड़े अफसर जो AC कमरों में बैठे हैं यहाँ पे हम रोड पे ये दरी बिछा के पिछले 10 दिनों से बैठे हैं कोई हमारी सुध लेने नहीं है। मैं तारीफ़ करूँगा आरसपुरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वो आते जाते हमें पूछते जाते हैं कि ठीक है लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। हमने SDM साहिबा से भी बोला था कि आप अपनी हायर अथॉरिटी से तो बात कीजिए हम 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं क्या गवर्नमेंट का कोई फ़र्ज नहीं बनता अपनी आवाम के लिए कि आवाम यहाँ पर मर जाए तो कोई बात नहीं उनको सिर्फ अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए AC कमरों में बैठे हुए हैं बस यही काम है उनका। जब वोट मांगने की बारी है तब हाथ जोड़ के आ जाते हैं अभी हमारे पास कोई नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा LG साहब थोड़ा सा आप देखें और ये जो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट लाए से ख़त्म करें मत लोगों को तंग करें यही लोग हैं आपको बनाने वाले 25-25 नुमाइंदे दिए हुए हैं जम्मू ने आपको। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ संजीव जी का ये शिंदे ग्रुप से हैं और ये लगातार गरीब लोगों की मदद करते हैं जब इनको पता चला ये भी हमारे समर्थन में उतरे हैं और मैं इनको दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ कि जो ये जहाँ पर हमारे समर्थन पर आए। जय हिंद जय भारत जय आरसपुरा।